आज भारत के मीडिया भी शायद चाइना एकदम डिफ्लेशन में चली जा रही है। चाइना, यस, इट्स अ वेरी बिग इकोनॉमी। दुनिया में यूएस, चाइना, ये सब बड़ा इकोनॉमी से। चाइना, यस, इट्स अ वेरी बिग इकोनॉमी। चाइना, यस, इट्स अ वेरी बिग इकोनॉमी। दुनिया में यूएस, चाइना, ये सब बड़ा इकोनॉमी से। मैं सीधा उनसे हमारी इकोनॉमी को तुलना नहीं कर रही, मगर चैलेंजेस जो है दुनिया भर के, और उस चैलेंजेस के वजह से इतना मजबूत जो माना जाता था मजबूत इकोनॉमी चाइना जैसे, आज एकदम कंज्यूमर डिमांड स्टैग्नेशन के सिचुएशन में है और वेजेस स्टैग्नेशन में है। आज भारत के मीडिया भी शायद चाइना एकदम डिफ्लेशन में चली जा रही है। सर, आज पूरे दुनिया में आर्थिक विषयों में बहुत सारे संकट के समय है। द ग्लोबल इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग विथ ट्विन चैलेंजेस ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड ऑल्सो स्लो ग्रोथ। ग्लोबल इकोनॉमी सर 2022 में सिर्फ 3% का ग्रोथ देखे, इट जस्ट ग्रो ओवर अबाउट 3% और लिटिल मोर, एंड द वर्ल्ड बैंक इज नाउ फोरकास्टिंग दैट 2023 इट विल डिक्लाइन टू 2.1%। ग्लोबल ग्रोथ विल डिक्लाइन टू 2.1%। चाइना, यस, इट्स अ वेरी बिग इकोनॉमी। दुनिया में यूएस, चाइना, ये सब बड़ा इकोनॉमी से। मैं सीधा उनसे हमारी इकोनॉमी को तुलना नहीं कर रही, मगर चैलेंजेस जो है दुनिया भर के, और उस चैलेंजेस के वजह से इतना मजबूत जो माना जाता था मजबूत इकोनॉमी चाइना जैसे, आज एकदम कंज्यूमर डिमांड स्टैग्नेशन के सिचुएशन में है और वेजेस स्टैग्नेशन में है। आज भारत के मीडिया भी शायद चाइना एकदम डिफ्लेशन में चली जा रही। सर, आज पूरे दुनिया में आर्थिक विषयों में बहुत सारे संकट के समय है। द ग्लोबल इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग विथ ट्विन चैलेंजेस ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड ऑल्सो स्लो ग्रोथ। ग्लोबल इकोनॉमी सर 2022 में सिर्फ 3% का ग्रोथ देखे, इट जस्ट ग्रो ओवर अबाउट 3% और लिटिल मोर, एंड द वर्ल्ड बैंक इज नाउ फोरकास्टिंग दैट 2023 इट विल डिक्लाइन टू 2.1%। ग्लोबल ग्रोथ विल डिक्लाइन टू 2.1%।